हेलो फ्रेंड्स, जैसे सिस्टर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान को मेरे शो में, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे लेजेंड्स पीपल्स की बायोग्राफी बताऊंगी जिन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो, आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जी के बारे में बात करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा रेडियो उड़ान को, और मेरे शो के और एपिसोड्स देखने के लिए एक लाइक तो बनता है ना। सो लेट्स गेट STARTED। इंसान के काम कभी उसको मरने नहीं देते। इतिहास के पन्नों में दर्ज कई महानायकों, दिग्गजों, लेजेंड्स जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, वह सभी अपने द्वारा किए गए कामों की वजह से ही याद किए जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी ऐसे कई लोग थे जो आज भी हमारी यादों में बसे हुए हैं। एक ऐसे ही महानायक हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू जी की जिंदगी पश्चिमी सभ्यता से जरूर प्रभावित थी, पर वह साथ ही साथ अपने देश के लिए भी देश से भी जुड़े हुए थे। 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू का बचपन काफी शान और शौकत से बीता। उनके पिता देश के टॉप लॉयर्स में से एक थे। पंडित मोतीलाल नेहरू एक धनाढ्य वकील थे और उनकी माँ का नाम स्वरूप रानी था। वह मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र और इसके अलावा उनकी 3 पुत्रियाँ थीं। उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष भी बनी। पंडित नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे जो अपनी प्रशंसता प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वत्ता के लिए विख्यात थे। पंडित नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू जी ने घर पर ही अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षाओं से शिक्षा प्राप्त करी। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू जी एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय के नेहरू स्कूल में भेजे गए। 1912 में पंडित नेहरू जी भारत लौटे और उन्होंने वकालत शुरू करी। मार्च 1916 में नेहरू जी का विवाह कमला कॉल्स के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ, जो बाद में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू का मन वकालत में ज्यादा नहीं लगता था और इसीलिए उन्होंने राजनीति को अपना क्षेत्र चुन लिया। गांधी जी ने उनकी क्षमताओं को समझा और उन्हें युवा कांग्रेस की कमान दे दी। नेहरू जी ने गांधी जी को राह पर चलते हुए नर्मपंथी और सत्याग्रह जैसे हथियारों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। नेहरू जी आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत बार जेल गए। 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में जाना था कि कैसे गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया। नेहरू जी ने अपनी राजनीतिक कैरियर में भारत की कई उपलब्धियां दिलाई। हालांकि कुछ मौकों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता पर सवाल भी उठे और लोग उन्हें ही कश्मीर, भारत और चीन के मध्य तनाव की वजह मानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे नेहरू जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा डीप में। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस की कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य चाहते थे। इस मुद्दे के हल के लिए गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। नेहरू और बोस की मांग की कि इस समय को कम करके 1 साल कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया।
गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन काफी सफल रहा और उसके ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधार के लिए आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कर दिया गया। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन ने गांधी जी ने नेहरू जी को अध्यक्ष पद के लिए चुना, तब वे 35 ईयर्स तक के 1964 में प्रधानमंत्री पद तक रहे। मृत्यु तक 1962 में चीन से हारने के बावजूद नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी जी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी जी के विचारों में उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति को वो भ्रामक रूप से एक धार्मिक रूप दे दिया था। गांधी जी की धार्मिक रूढ़ी वाली पद्धति होते रूढ़ी वाली प्रतीत होते थे, किंतु वस्तु तो लेकिन रियलिटी में वह एक सामाजिक उदारवादी सोशल लिबरल थे, जो हिंदू धर्म और धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म बनाने की चेष्टा मतलब ट्राई कर रहे थे। गांधी जी और नेहरू जी के बीच असली विरोध धर्म के प्रति उनके रवैये के कारण नहीं, बल्कि सभ्यता के प्रति रवैये के कारण था। जहां नेहरू जी लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, वहीं गांधी जी प्राचीन भारत यानी एंटीक इंडिया के गौरव पर बल देते थे। देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था जब महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त और बागी टेबल के सामने नेहरू जी का विनम्र राष्ट्र दृष्टिकोण मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भारी पड़ रहा था, और वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बागडोर संभालने का गौरव भी हासिल हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म से जुड़ा एक विवादित तथ्य इंटरनेट पर प्रचलित है कि उनका जन्म आनंद भवन में नहीं बल्कि एक रेड लाइट एरिया में हुआ था, जहां मोतीलाल नेहरू अपनी दूसरी पत्नी स्वरूपणी के साथ रहते थे। यही कारण था कि इतिहास में उनके बचपन के 8 वर्षों का जिक्र कहीं नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जब अपनी माता के घर में थे, तब गंगा के तट पर एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। जब पंडित ने धीरे से मोतीलाल नेहरू को बताया था कि वो अपनी पत्नी को जहर दे दें, लेकिन तब उस फुसफुस को मोतीलाल नेहरू की पत्नी ने सुना तो उन्होंने केवल जहर शब्द सुना, तो मोतीलाल नेहरू ने तर्क दिया कि उनके पुत्र का नाम जवाहर रखने के लिए कह रहे हैं। इस तरह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जवाहर रखा गया। नेहरू जी की पहली पत्नी कमला नेहरू का जल्द ही देहांत हो गया। इस दौरान उनके लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। आप लोगों ने बहुत सी पिक्चर्स में उन्हें साथ साथ भी देखा होगा। इसी कारण ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध है। दूसरी ओर जिंदा को भी एडविना पसंद थी, जिससे लव ट्रायंगल बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि जवाहरलाल नेहरू और लेडी एडविना माउंटबेटन के बीच आत्मीय रिश्ते थे। दोनों निस्संदेह एक दूसरे से प्यार करते थे। इन रिश्तों को कहां तक आगे ले जाकर देखा जाए, उसे लेकर जरूर भ्रम है। एडविना भारत के आखिरी अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आज़ादी के कुछ महीनों पहले इस महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी देने के लिए दिल्ली भेजे गए थे। उसके बाद नेहरू जी से लगातार मुलाकातों के बीच उनकी पत्नी एडविना और नेहरू में एक आत्मीयता पनपी, जो भारत की आज़ादी के बाद तक कायम रही। जब तक नेहरू जिंदा रहे, वो लगातार उन्हें पत्र लिखते रहे। ब्रिटेन में उनसे मुलाकात होती रही। एडविना भी साल भर में एक दो बार भारत जरूर आती थी। प्रधानमंत्री के 3 मंत्री स्थित आवास में सरकारी मेहमान के रूप में ठहराई जाती थी। उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन तक स्वीकार करती है कि नेहरू और उनकी माँ एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ साल पहले
भारतीय पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया, देवर इन लव मिस विप, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। वो आगे कहती हैं कि उनको कोई उनका कोई शारीरिक संपर्क नहीं था, उनके बीच भावना और गहरे प्यार को समझना लोगों के लिए मुश्किल होगा। दोनों काफ़ी एकाकी थे। नेहरू जी की पत्नी का देहावसान मतलब डेथ हो चुकी थी। माउंटबेटन बहुत बिजी रहते थे। एडविना इंट्रोवर्ट मतलब जो लोग हर किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, सो एडविना इंट्रोवर्ट कैरेक्टर वाली लेडी थी। उनका लोगों से संवाद बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब उनमें और नेहरू जी में बातचीत होने लगी तो यह भी हैरानी की बात थी कि भारत छोड़ने के बाद भी वो दोनों साल भर में एक दो बार मिल लेते थे। जब नेहरू जी इंग्लैंड जाते तो वे हेम्पशायर स्थित स्टेट में मेहमान रहते थे। दोनों के बीच खूब पत्राचार मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को पता थी। एडविना के निधन के बाद उनकी बेटी ने इन पत्रों को पढ़ा जो उन्होंने बहुत मैच्योर ढंग से लिखे थे। नेहरू जी के सचिव के एफ रुस्तम जी की डायरी में संपादित अंश मतलब एडिटेड कंटेंट किताब के रूप में प्रकाशित हुए। उसमें उन्होंने भी एडविना और नेहरू जी के प्यार पर चर्चा करते हुए लिखा, दोनों अभिजातीय थे, दोनों की रुचियां परिकृष्ट मतलब दोनों की रुचियां प्रतिकृष्ट थी, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। नेहरू जी ब्रिटेन से प्रभावित थे और एडविना भारत से। ओके फ्रेंड्स, इतनी अच्छी लव स्टोरी सुनने के बाद मेरा दिल तो एक सॉन्ग सुनने का कर रहा है। आई एम श्योर आप लोग का भी कर रहा होगा। सो मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के बाद। ना तेरी कोई दरानी बलिए ना जठानी बलिए, नी तू राज करेगी आके, चाहिदा हूं जो भी दस दी सस बड़ी चंगी आनी तेरी आप दऊगी ले आके। देनी नहीं हो तंगी कोई तेरे मापे आनू ना ही खर्चा कराउना कोई दाज दा, गुरु घर जाके चार लावा लैनी आ मान रखना है अपने रिवाज दा। तू लहंगा लैनी पग नाल दा मैं तेरे बेड़े टुकना री सोनी सेरे उत्ते कलगी सजा के। ना तेरी कोई दरानी बलिए ना जेठानी बलिए, नी तू राज करे बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊगी ले आके। होली होली सारेयां दा भेद पालनी, सुखी वसू फिर सारा परिवार नी, समझूना तेनू कोई बेगानी जान के पूरा बनता मिलूगा सत्कार नी। जे मिस करे मोम डैड नू तू आके मेनू दस दी नी, केड़ा पेके आंदा आऊं गल वाके। ना तेरी कोई दरानी बलिए ना जठानी बलिए, नी तू राज करेगी आके, नी चाहिदा हूं जो भी दस दी सस बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊगी ले आके। जेहा साडा परिवार सोनिए, मैं ते मेरे बेबे बापू रहने आ, फिक्र करी ना मिटो किसे गल दी, गल गल उते ही गल कहने आ। दुख सुख तेरे मेरे सांझे होने आनी, गंदा सारियां रखांगे सुल जाके। ना तेरी कोई दरानी बलिए ना जठानी बलिए, नी तू राज करेगी आके, नी चाहिदा हूं जो भी दस दी सस बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊ। ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਸੁਣਨੇ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜੂ ਛਣਕਾਰਨੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦਰਾਣੀ ਬੱਲੀਏ ਨਾ ਜਠਾਣੀ ਬੱਲੀਏ, ਨੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਆ ਕੇ, ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਯਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਪ ਦਊਗੀ ਲਿਆ ਕੇ।
सॉन्ग के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम जानेंगे पूर्ण स्वराज के बारे में। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। दिसंबर 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब हम जानेंगे कि नेहरू जी महात्मा गांधी के प्रिय क्यों थे, वो उनसे इतना प्यार क्यों करते थे। नेहरू जी महात्मा गांधी जी के काफ़ी प्रिय थे और उन्हीं के कहने पर उन्हें देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। धर्मनिरपेक्षता और भारत का जातीय तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद देश की मौलिक एकता पर जोर देने के अलावा नेहरू जी भारत के को वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी विकास के आधुनिक युग में ले जाने के प्रति काफ़ी सचेत थे। भारत रत्न से सम्मानित, यह वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने तथा कांगो समझौते के को मूर्त रूप से देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के मध्यस्थ की भूमिका में रहे। वेस्ट बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान के पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने देशवासियों में निर्धनों तथा अछूतों के प्रति सामाजिक चेतना की जरूरत के प्रति जागरूकता पैदा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान पैदा करने का भी कार्य उन्होंने किया। उन्हें अपनी एक उपलब्धि पर विशेष गर्व था कि उन्होंने प्राचीन हिंदू सिविल कोड के सुधार का अनंत उत्तराधिकार तथा संपत्ति के मामले में विधवाओं को पुरुष के बराबर अधिकार प्रदान करवाया। महान लेखक, पंडित नेहरू एक महान राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली वक्ता स्पीकर ही नहीं बल्कि एक महान लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा 1936 में प्रकाशित हुई और संसार में सभी देशों में उनका आदर हुआ। अब उनकी अन्य रचनाओं में भारत और विश्व सोवियत रूस विश्व इतिहास की एक झलक तथा और भारत की एकता और स्वतंत्रता प्रचलित है, लेकिन उनकी लोकप्रिय किताबों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया रही, जिसकी रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में हुई। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य सारे भाषाओं में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया। भारत की खोज बुक के क्लासिक का दर्जा हासिल हुआ। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में 5 महीनों के कारावास के दिनों में लिखी। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि के विलक्षण भाषा शैली में बयान किया। अब हम जानेंगे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म के बारे में। भारत लौटने के चार साल बाद मार्च 1916 में नेहरू जी का विवाह कमला कौल के साथ हुआ। कमला कौल दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। दोनों की अकेली संतान सिंगल चाइल्ड इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनका असल प्रवेश रियल एंट्री 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू जी महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू जी ने विदेशी वस्तुओं का त्याग करके खादी को अपना लिया और 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद पड़े। इस दौरान वो गिरफ्तार भी किए गए। माई स्वीट स्वीट लिसनर्स, पंडित नेहरू के कुछ अन किस्से मतलब अनहर्ड स्टोरीज के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सो पंडित नेहरू का व्यक्तित्व निराला था। स्वतंत्र भारत के अग्रणी रहे नेहरू जी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तब वे 58 ईयर्स के यंग पर्सन थे और ऑलमोस्ट 17 ईयर्स तक उस पद पर रहे। उनकी अत्यधिक व्यस्तता और तनावपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक दिनचर्या के बावजूद उनके सामान्य जीवन में सदा एक अनोखी जिंदादिली दिखाई दी।
पहला किस्सा, जनवरी 1915 में कांग्रेस का 55वां अधिवेशन जयपुर में होने जा रहा था। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट अधिवेशन मतलब सेशन होने के कारण जितनी भारी संख्या में सामान्य कार्यकर्ता एकत्रित हुए उसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। सैकड़ों लोग खुले में बर्फ से ठंडी रेत पर सोने को मजबूर थे। न जाने कैसे नेहरू जी को इसकी भनक लग गई। रात 10 बजे अचानक वे आ गए। प्रशासन भीड़ के कारण व्यवस्थापकों को मजबूरी बताते हुए वे बोले कि मैं कश्मीरी हूँ और मैं खुले में ही सोऊंगा। फिर एक सुझाव आया, तुरंत पल्लियाँ गाड़ कर उन पर चटाइयाँ लगवा दी जाएं। रात के दो बजते पूरे मैदान में चटाइयाँ बिछा दी गई। दूसरा किस्सा, फरवरी 1950 में नेहरू जी पहली बार पिलानी आए। रेगिस्तान में हरी भरी सब्जियां, गाजर मूली आदि से बनाए गए स्वागत द्वारों पर वे बोले ये क्या बेवकूफ़ी है और तुरंत सारी सब्जियां उतारकर गांव वालों में बांट दी गई। तीसरा किस्सा, नगर में नेहरू जी की शोभा यात्रा घोड़ों पर निकाल ली गई। बावजूद नेहरू जी के बार बार अनुरोध करने के उनके साथ ही रहने वाले घनश्याम दास बिरला बार बार उनसे आगे निकल जाते। अचानक नेहरू जी चिल्लाए तो घनश्याम दास हॉर्स रेस हो जाए और अपने घोड़े को एड लगाकर खूब आगे निकल गए। उसके बाद बिरला जी कभी उनसे आगे नहीं निकल पाए। चौथा किस्सा, इसी दौर में पंडित जी बालिका विद्यापीठ भी गए। पिलानी का एकमात्र स्टूडियो चलता था जिसमें प्रेस और फोटोग्राफर भी शामिल थे। बालिकाएं नारे लगा रही थी। एक नारा था भारत माता की जय। नेहरू जी बोले लड़कियों बताओ ये भारत माता कौन है। गुमसुम बालिकाओं ने अपनी शिक्षिका की ओर देखा। अरे उन्हें कहा मालूम, वास्तव में हमारा देश और उसके सारे निवासी ही भारत माता हैं। इसके बाद यही बात नेहरू जी ने कई जगह पर कही। पांचवा किस्सा, जून 1915 में दिल्ली के संयुक्त राष्ट्रीय भारत विद्यार्थी संगठन का प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन आयोजित हुआ। सेशन मॉरिस ग्वायर हॉल में होना था और नेहरू जी उसका उद्घाटन करने वाले थे। उद्घाटन से ठीक पहले हॉल के लॉन में नेहरू जी के साथ सभी नुमाइंदों का एक ग्रुप फोटो होना था। नेहरू जी और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी मतलब सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर के लिए कुर्सी खाली छोड़कर सब अपनी जगह पर बैठ गए। टाइम होने पर दोनों गेस्ट आकर बैठ गए। नेहरू जी कुर्सी के एकदम पीछे एक छात्रा अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप करके खड़ी हुई थी। नेहरू जी बैठते ही उठे और उस छात्रा की ओर मुड़कर बोले आई होप आई एम सेफ मतलब मुझे आशा है मैं ठीक हूँ मतलब मैं सेफ हूँ मैं सुरक्षित हूँ और पुनः बैठ गए। वह छात्रा ग्रुप से भाग गई और अधिवेशन के तीनों दिन बिना मेकअप के आई। छठा किस्सा, 50 के दशक के मध्य कानपुर के एक बड़े उद्योगपति के घर एक बड़ी पार्टी में नेहरू जी आए। पार्टी में फिल्म इंडिया के ओनर बाबूराव पटेल अपनी वाइफ के साथ आए थे। गर्मी के दिन थे, पार्टी एक लॉन में थी। अचानक हवा के तेज झोंके से मिसेस सुशीला रानी पटेल की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। नेहरू जी ने लपक कर पल्लू उठाकर मुस्कुराती मिसेस पटेल को दिया। बाबूराव ने फोटो ले लिया और फिल्म इंडिया में किसकी मुस्कान ज़्यादा मोहक शीर्षक से छाप दिया। नेहरू जी को जब वह पत्रिका दिखाकर उनके एक साथी ने पूछा कि क्या जवाब है शीर्षक का तो नेहरू जी तपाक से बोले इस नौजवान की मुस्कुराहट लाजवाब है। ऐसे जिंदा दिल थे अपने ज़माने में बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू। सो फ्रेंड्स, अब नेहरू जी के विचारों पर थोड़ा रोशनी डाल। फर्स्ट, नागरिकता देश की सेवा में निहित है। सेकंड, संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। थर्ड, असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श उद्देश्य तथा सिद्धांत भूल जाते हैं। फोर्थ, दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। फिफ्थ, लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन हैं, स्वयं में लक्ष्य नहीं। सिक्स, लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। मृत्यु, अब हम नेहरू जी की मृत्यु के बारे में जानते हैं। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 27 मई 1964 में दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। नेहरू जी के बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा था कि जवाहर नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह एक
ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवा चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम के स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। सो माय लिसनर्स, कैसा लगा आपको हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकर? आई एम श्योर आपको मज़ा ही आया होगा इतनी इंटरेस्टिंग बातें जानकर। यही शो को एंड करते हुए और आप सबसे विदा लेती हूँ एंड थैंक यू मुझे लास्ट तक सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे लेजेंड की बायोग्राफी के साथ। सो बाय फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।
मैं तेरा हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिस्टर। आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान को मेरे शो में, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे लेजेंड्स पीपल्स की बायोग्राफी बताऊंगी जिन्होंने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जी के बारे में बात करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा रेडियो उड़ान को, और मेरे शो के और एपिसोड्स देखने के लिए एक लाइक तो बनता है ना। सो लेट्स गेट STARTED। इंसान के काम कभी उसको मरने नहीं देते। इतिहास के पन्नों में दर्ज कई महानायकों, दिग्गजों, लेजेंड्स जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, वह सभी अपने द्वारा किए गए कामों की वजह से ही याद किए जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी ऐसे कई लोग थे जो आज भी हमारी यादों में बसे हुए हैं। एक ऐसे ही महानायक हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू जी की जिंदगी पश्चिमी सभ्यता से जरूर प्रभावित थी, पर वह साथ ही साथ अपने देश के लिए भी देश से भी जुड़े हुए थे। 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू का बचपन काफी शान और शौकत से बीता। उनके पिता देश के टॉप लॉयर्स में से एक थे। पंडित मोतीलाल नेहरू एक धनाढ्य वकील थे और उनकी माँ का नाम स्वरूप रानी था। वह मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र और इसके अलावा उनकी 3 पुत्रियाँ थीं। उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष भी बनी। पंडित नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे जो अपनी प्रशंसिता प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वत्ता के लिए विख्यात थे। पंडित नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू जी ने घर पर ही अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करी। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू जी एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय के नेहरू स्कूल में भेजे गए। 1912 में पंडित नेहरू जब भारत लौटे और उन्होंने वकालत शुरू करी। मार्च 1916 में नेहरू जी का विवाह कमला कॉल्स के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ, जो बाद में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू का मन वकालत में नहीं ज्यादा नहीं लगता था और इसीलिए उन्होंने राजनीति को अपना क्षेत्र चुन लिया। गांधी जी ने उनकी क्षमताओं को समझा और उन्हें युवा कांग्रेस की कमान दे दी। नेहरू जी ने गांधी जी को राह पर चलते हुए नर्मपंथी और सत्याग्रह जैसे हथियारों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। नेहरू जी आज़ादी के आंदोलन के दौरान बहुत बार जेल गए। 1920 से 1922 तक चले असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में जाना था कि कैसे गांधी जी ने नेहरू जी को वो प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दिया। नेहरू जी ने अपनी राजनीतिक कैरियर में भारत की कई उपलब्धियां दिलाई। हालांकि कुछ मौकों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता पर सवाल भी उठे और लोग उन्हें ही कश्मीर, भारत और चीन के मध्य तनाव की वजह मानते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे नेहरू जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ा डीप में। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस की कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य चाहते थे। इस मुद्दे के हल के लिए गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। नेहरू और बोस की मांग ने मांग की कि इस समय को कम करके 1 साल कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन काफी सफल रहा और उसके ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधार के लिए आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कर दिया गया। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन ने गांधी जी ने नेहरू जी को अध्यक्ष पद के लिए चुना, तब वे 35 ईयर्स तक के 1964 में प्रधानमंत्री पद तक रहे। मृत्यु तक 1962 में चीन से हारने के बावजूद नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी जी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी जी के विचारों में उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति को वो भ्रामक रूप से एक धार्मिक रूप दे दिया था। गांधी जी के धार्मिक रूढ़ी वाली पद्धति होते रूढ़ी वाली प्रतीत होते थे, किंतु वस्तु तो लेकिन रियलिटी में वह सामाजिक उदारवादी सोशल लिबरल थे, जो हिंदू धर्म और धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म बनाने की चेष्टा मतलब ट्राई कर रहे थे। गांधी जी और नेहरू जी के बीच असली विरोध धर्म के प्रति उनके रवैये के कारण नहीं, बल्कि सभ्यता के प्रति रवैये के कारण था। जहां नेहरू जी लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, वहीं गांधी जी प्राचीन भारत यानी एंटीक इंडिया के गौरव पर बल देते थे। देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था जब महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त और बागी टेबल के सामने नेहरू जी का विनम्र राष्ट्र दृष्टिकोण मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भारी पड़ रहा था, और वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए, बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बागडोर संभालने का गौरव भी हासिल हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म से जुड़ा एक विवादित तथ्य इंटरनेट पर प्रचलित है कि उनका जन्म आनंद भवन में नहीं बल्कि एक रेड लाइट एरिया में हुआ था, जहां मोतीलाल नेहरू अपनी दूसरी पत्नी स्वरूपणी के साथ रहते थे। यही कारण था कि इतिहास में उनके बचपन के 8 वर्षों का जिक्र कहीं नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जब अपनी माता के घर में थे, तब गंगा के तट पर एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। जब पंडित ने धीरे से मोतीलाल नेहरू को बताया था कि वो अपनी पत्नी को जहर दे दे, लेकिन तब उस फुसफुस को मोतीलाल नेहरू की पत्नी ने सुना तो उन्होंने केवल जहर शब्द सुना, तो मोतीलाल नेहरू ने तर्क दिया कि उनके पुत्र का नाम जवाहर रखने के लिए कह रहे हैं। इस तरह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जवाहर रखा गया। नेहरू जी की पहली पत्नी कमला नेहरू का जल्द ही देहांत हो गया। इस दौरान उनके लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। आप लोगों ने बहुत सी पिक्चर्स में उन्हें साथ साथ भी देखा होगा। इसी कारण ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध है। दूसरी ओर जिन्ना को भी एडविना पसंद थी, जिससे लव ट्रायंगल बन गया। इसमें कोई शक नहीं कि जवाहरलाल नेहरू और लेडी एडविना माउंटबेटन के बीच आत्मीय रिश्ते थे। दोनों निस्संदेह एक दूसरे से प्यार करते थे। इन रिश्तों को कहां तक आगे ले जाकर देखा जाए, उसे लेकर तो जरूर भ्रम है। एडविना भारत के आखिरी अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आज़ादी के कुछ महीनों पहले इस महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी देने के लिए दिल्ली भेजे गए थे। उसके बाद नेहरू जी से लगातार मुलाकातों के बीच उनकी पत्नी एडविना और नेहरू में एक आत्मीयता पनपी, जो भारत की आज़ादी के बाद तक कायम रही।
जब तक नेहरू जिंदा रहे वो लगातार उन्हें पत्र लिखते रहे। ब्रिटेन में उनसे मुलाकात होती रही। एडविना भी साल भर में एक दो बार भारत जरूर आती थी। प्रधानमंत्री के तीन मंत्री स्थित तो आवास में सरकारी मेहमान के रूप में ठहराई जाती थी। उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन तक स्वीकार करती है कि नेहरू और उनकी माँ एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ साल पहले भारतीय पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया, देवर इन लव मिस विप, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। वो आगे कहती हैं कि उनका कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। उनके बीच भावना और गहरे प्यार को समझना लोगों के लिए मुश्किल होगा। दोनों काफ़ी एकाकी थे। नेहरू जी की पत्नी का देहावसान मतलब डेथ हो चुकी थी। माउंटबेटन बहुत बिजी रहते थे। एडविना इंट्रोवर्ट मतलब जो लोग किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, सो एडविना इंट्रोवर्ट कैरेक्टर वाली लेडी थी। उनका लोगों से संवाद बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब उनमें और नेहरू जी में बातचीत होने लगी तो यह भी हैरानी की बात थी कि भारत छोड़ने के बाद भी वो दोनों साल भर में एक दो बार मिल लेते थे। जब नेहरू जी इंग्लैंड जाते तो वे हेम्पशायर स्थित स्टेट में मेहमान रहते थे। दोनों के बीच खूब पत्राचार मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। ये बात लॉर्ड माउंटबेटन को पता थी। एडविना के निधन के बाद उनकी बेटी ने इन पत्रों को पढ़ा जो उन्होंने बहुत मैच्योर ढंग से लिखे थे। नेहरू जी के सचिव के एफ रुस्तम जी की डायरी में संपादित अंश मतलब एडिटेड कंटेंट किताब के रूप में प्रकाशित हुए। उसमें उन्होंने भी एडविना और नेहरू जी के प्यार पर चर्चा करते हुए लिखा, दोनों अभिजातीय थे, दोनों की रुचियां परिकृष्ट मतलब दोनों की रुचियां प्रतिकृष्ट थी, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। नेहरू जी ब्रिटेन से प्रभावित थे और एडविना भारत से। ओके फ्रेंड्स, इतनी अच्छी लव स्टोरी सुनने के बाद मेरा दिल तो एक सॉन्ग सुनने का कर रहा है। आई एम श्योर आप लोग का भी कर रहा होगा। सो मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के बाद। ना तेरी कोई दरानी बलिए ना जठानी बलिए, नी तू राज करेगी आके, नी चाहिदा हूं जो भी दस दी, सस बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊगी ले आके। देनी नहीं हो तंगी कोई तेरे मापे आनू ना ही खर्चा कराना कोई दाज दा, गुरु घर जाके चार लावा लैनी आ, मान रखना है अपने रिवाज दा। तू लहंगा लैनी पग नाल दा, मैं तेरे बेड़े टुकना नी सोनी सेरे उत्ते कलगी सजा के। ना तेरी कोई दरानी बलिए ना जेठानी बलिए, नी तू राज करेगी आके, नी चाहिदा हूं जो भी दस दी, सस बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊगी ले आके। पालमी सुखी वसु फिर सारा परिवार नी, समझूना तेनू कोई बेगानी जान के, पूरा बनता मिलूगा सत्कार नी। जे मिस करे मोम डैड नू, तू आके मेनू दस दी नी, केड़ा पेके आंदा आऊं गल वाके। ना तेरी कोई दरानी बलिए ना जठानी बलिए, नी तू राज करेगी आके, नी चाहिदा हूं जो भी दस दी, सस बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊगी ले आके। जिहा साडा परिवार सोनिए, मैं ते मेरे बेबे बापू रहने आ, फिक्र करी ना मिटो किसे गल दी, गल गल उते ही गल कहने आ। दुख सुख तेरे मेरे सांझे होने आनी, गंदा सारियां रखांगे सुलझा के। ना तेरी कोई दरानी बलिए ना जठानी बलिए, नी तू राज करेगी आके, नी चाहिदा हूं जो भी दस दी, सस बड़ी चंगी यारी तेरी आप दऊ। झांजरां दे बोर सुनने, वेड़े विच गूंजू छनकारनी,
ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦਰਾਣੀ ਬੱਲੀਏ ਨਾ ਜਠਾਣੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਆ ਕੇ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਨੀ ਤੇਰੀ ਆਪ ਦਊਗੀ ਲਿਆ ਕੇ सॉन्ग के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम जानेंगे पूर्ण स्वराज के बारे में। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। दिसंबर 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब हम जानेंगे कि नेहरू जी महात्मा गांधी के प्रिय क्यों थे, वो उनसे इतना प्यार क्यों करते थे। नेहरू जी महात्मा गांधी जी के काफ़ी प्रिय थे और उन्हीं के कहने पर उन्हें देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। धर्मनिरपेक्षता और भारत का जातीय तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद देश की मौलिक एकता पर जोर देने के अलावा नेहरू जी भारत के को वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी विकास के आधुनिक युग में ले जाने के प्रति काफ़ी सचेत थे। भारत रत्न से सम्मानित यह वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने तथा कांगो समझौते के को मूर्त रूप से देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के मध्यस्थ की भूमिका में रहे। वेस्ट बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस के जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान के पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने देशवासियों में निर्धनों तथा अछूतों के प्रति सामाजिक चेतना की जरूरत के प्रति जागरूकता पैदा करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान पैदा करने का भी कार्य उन्होंने किया। उन्हें अपनी एक उपलब्धि पर विशेष गर्व था कि उन्होंने प्राचीन हिंदू सिविल कोड के सुधार का अनंत उत्तराधिकार तथा संपत्ति के मामले में विधवाओं को पुरुष के बराबर अधिकार प्रदान करवाया। महान लेखक पंडित नेहरू एक महान राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली वक्ता स्पीकर ही नहीं बल्कि एक महान लेखक भी थे। उनकी आत्मकथा 1936 में प्रकाशित हुई और संसार में सभी देशों में उनका आदर हुआ। अब उनकी अन्य रचनाओं में भारत और विश्व सोवियत रूस विश्व इतिहास की एक झलक तथा और भारत की एकता और स्वतंत्रता प्रचलित है, लेकिन उनकी लोकप्रिय किताबों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया रही, जिसकी रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में हुई। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य सारे भाषाओं में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया। भारत की खोज बुक के क्लासिक का दर्जा हासिल हुआ। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में 5 महीनों के कारावास के दिनों में लिखी। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि के विलक्षण भाषा शैली में बयान किया। अब हम जानेंगे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म के बारे में। भारत लौटने के चार साल बाद मार्च 1916 में नेहरू जी का विवाह कमला कौल के साथ हुआ। कमला कौल दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। दोनों की अकेली संतान सिंगल चाइल्ड इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनका असल प्रवेश रियल एंट्री 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू जी महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सभी ने अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू जी ने विदेशी वस्तुओं का त्याग करके खादी को अपना लिया और 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद पड़े। इस दौरान वो गिरफ्तार भी किए गए।
माई स्वीट स्वीट लिसनर्स, पंडित नेहरू के कुछ अन किस्से मतलब अनहर्ड स्टोरीज के बारे में जानते हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सो पंडित नेहरू का व्यक्तित्व निराला था। स्वतंत्र भारत के अग्रणी रहे नेहरू जी जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तब वे 58 ईयर्स के यंग पर्सन थे और ऑलमोस्ट 17 ईयर्स तक उस पद पर रहे। उनकी अत्यधिक व्यस्तता और तनावपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक दिनचर्या के बावजूद उनके सामान्य जीवन में सदा एक अनोखी जिंदादिली दिखाई दी। पहला किस्सा, जनवरी 1915 में कांग्रेस का 55th अधिवेशन जयपुर में होने जा रहा था। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट अधिवेशन मतलब सेशन होने के कारण जितनी भारी संख्या में सामान्य कार्यकर्ता एकत्रित हुए उसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। सैकड़ों लोग खुले में बर्फ से ठंडी रेत पर सोने को मजबूर थे। न जाने कैसे नेहरू जी को इसकी भनक लग गई। रात 10 बजे अचानक वे आ गए। प्रशासन भीड़ के कारण व्यवस्थापकों को मजबूरी बताते हुए वे बोले कि मैं कश्मीरी हूँ और मैं खुले में ही सोऊंगा। फिर एक सुझाव आया, तुरंत बल्लियाँ गाड़ कर उन पर चटाइयाँ लगवा दी जाएं। रात के दो बजते पूरे मैदान में चटाइयाँ बिछा दी गई। दूसरा किस्सा, फरवरी 1950 में नेहरू जी पहली बार पिलानी आए। रेगिस्तान में हरी भरी सब्जियां, गाजर मूली आदि से बनाए गए स्वागत द्वारों पर वे बोले ये क्या बेवकूफ़ी है और तुरंत सारी सब्जियां उतारकर गांव वालों में बांट दी गई। तीसरा किस्सा, नगर में नेहरू जी की शोभा यात्रा घोड़ों पर निकाल ली गई। बावजूद नेहरू जी के बार बार अनुरोध करने के उनके साथ ही रहने वाले घनश्याम दास बिरला बार बार उनसे आगे निकल जाते। अचानक नेहरू जी चिल्लाए तो घनश्याम दास हॉर्स रेस हो जाए और अपने घोड़े को एड लगाकर खूब आगे निकल गए। उसके बाद बिरला जी कभी उनसे आगे नहीं निकल पाए। चौथा किस्सा, इसी दौर में पंडित जी बालिका विद्यापीठ भी गए। पिलानी का एकमात्र स्टूडियो चलता था जिसमें प्रेस और फोटोग्राफर भी शामिल थे। बालिकाएं नारे लगा रही थी। एक नारा था, भारत माता की जय। नेहरू जी बोले, लड़कियों बताओ ये भारत माता कौन है। गुमसुम बालिकाओं ने अपनी शिक्षिका की ओर देखा। अरे उन्हें कहाँ मालूम, वास्तव में हमारा देश और उसके सारे निवासी ही भारत माता हैं। इसके बाद यही बात नेहरू जी ने कई जगह पर कही। पांचवा किस्सा, जून 1915 में दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र भारत विद्यार्थी संगठन का प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन आयोजित हुआ। सेशन मॉरिस ग्वायर हॉल में होना था और नेहरू जी उसका उद्घाटन करने वाले थे। उद्घाटन से ठीक पहले हॉल के लॉन में नेहरू जी के साथ सभी नुमाइंदों का एक ग्रुप फोटो होना था। नेहरू जी और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी मतलब सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर के लिए कुर्सी खाली छोड़कर सब अपनी जगह पर बैठ गए। टाइम होने पर दोनों गेस्ट आकर बैठ गए। नेहरू जी कुर्सी के एकदम पीछे एक छात्रा अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप करके खड़ी हुई थी। नेहरू जी बैठते ही उठे और उस छात्रा की ओर मुड़कर बोले, आई होप आई एम सेफ, मतलब मुझे आशा है मैं ठीक हूँ, मतलब मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, और पुनः बैठ गए। वह छात्रा ग्रुप से भाग गई और अधिवेशन के तीनों दिन बिना मेकअप के आई। छठा किस्सा, 50 के दशक के मध्य कानपुर के एक बड़े उद्योगपति के घर एक बड़ी पार्टी में नेहरू जी आए। पार्टी में फिल्म इंडिया के ओनर बाबूराव पटेल अपनी वाइफ के साथ आए थे। गर्मी के दिन थे, पार्टी एक लॉन में थी। अचानक हवा के तेज झोंके से मिसेस सुशीला रानी पटेल की साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। नेहरू जी ने लपक कर पल्लू उठाकर मुस्कुराती मिसेस पटेल को दिया। बाबूराव ने फोटो ले लिया और फिल्म इंडिया में किसकी मुस्कान ज़्यादा मोहक शीर्षक से छाप दिया। नेहरू जी को जब वह पत्रिका दिखाकर उनके एक साथी ने पूछा कि क्या जवाब है शीर्षक का, तो नेहरू जी तपाक से बोले, इस नौजवान की मुस्कुराहट लाजवाब है। ऐसे जिंदादिल थे अपने ज़माने में बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू। सो फ्रेंड्स, अब नेहरू जी के विचारों पर थोड़ा रोशनी डाल। फर्स्ट, नागरिकता देश की सेवा में निहित है। सेकंड, संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। थर्ड, असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श उद्देश्य तथा सिद्धांत भूल जाते हैं। फोर्थ,
दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। व्यक्ति लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। लोगों की कला उनके दिमाग का सही दर्पण है। मृत्यु, अब हम नेहरू जी की मृत्यु के बारे में जानते हैं। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू जी के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 27 मई 1964 में दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। नेहरू जी के बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कहा था कि जवाहर नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवा चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। सो माय लिसनर्स, कैसा लगा आपको हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकर? आई एम श्योर आपको मज़ा ही आया होगा इतनी इंटरेस्टिंग बातें जानकर। यही शो को एंड करते हुए और आप सबसे विदा लेती हूँ एंड थैंक यू मुझे लास्ट तक सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे लेजेंड की बायोग्राफी के साथ। सो बाय फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।
फिर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर गड्डी सर्टिफाइड।